नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पति पत्नी के मध्य विवाद होता है, उसके बाद जो पत्नी होती है गुस्सा के जाके अपने मायके रहना शुरू कर देती है। 2-3 वर्ष बीत जाने के पश्चात जो पति होता है वो डिवोर्स देने के लिए या विदाई कराने के लिए पत्नी के विरुद्ध एक मुकदमा दायर करता है। जब पत्नी को नोटिस प्राप्त होता है तो पत्नी उसके जवाब में रहना नहीं शुरू करती, ना ही डिवोर्स देती है, बल्कि 498A का मुकदमा दर्ज करा देती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने भी पहले सेक्शन 9 या डिवोर्स का केस लगा दिया है, उसके जवाब के रूप में पत्नी ने 498A का झूठा मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज करा दिया है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और इसी आधार पे कोर्ट ने कि पति ने पहले मुकदमा दर्ज कराया तो पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए 498A दर्ज कराया, इस आधार पे पत्नी के 498A केस को रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और ये जजमेंट आप ही लोगों के लिए है, बारीकी से चीजों को समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV Act, Section 9, डिवोर्स केस, इन सबसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से मुकदमा लड़ना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे अपनी जवाबदेही लगाना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है। तो इन सारी चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी लेटेस्ट और लैंडमार्क हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, जैसे कि 498 एक वैस हुआ हो, पति या पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, DV एक्ट का जो केस है वो खारिज हुआ हो, सेक्शन 9 के आधार पे डिवोर्स मिला हो, पति को किसी अन्य आधार पे आसानी से डिवोर्स मिला हो, तो ये सारी चीजें आप समझना चाहते हैं, इसके जजमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने केस में भी उन जजमेंट को लगा के फायदा ले सके, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जैसे आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस जजमेंट की कॉपी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज नहीं पे करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि कोई मैट्रिमोनियल आप मुकदमा लड़ रही है, जैसे 498A, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, DV एक्ट और इन सबसे संबंधित, अगर आप मुझसे कोई ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, अपने प्रार्थना पत्र को बनवाना चाहते हैं, जैसे 340 CRPC का प्रार्थना पत्र या डिस्चार्ज एप्लीकेशन या बेल एप्लीकेशन या फिर कोई आपत्ति जवाबदेही, मेंटेनेंस को रिजेक्ट कराने के लिए प्रार्थना पत्र, तो इस प्रकार की यदि आप कोई ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज जरूर करिएगा। तो आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है, तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो 498A के झूठे मामले को रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में जो पति हैं उनका नाम है देवेंद्र कुमार, उन्हीं के ऊपर मुकदमा हुआ है। तो ये जो मामला है वो देवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो पति के विरुद्ध 498A और 307 IPC के अंतर्गत FIR दर्ज करा देती है और इसी को क्वेश्चन कराने के लिए पति जो होता है वो 482 CRPC के अंतर्गत हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाता है। पत्नी ये आरोप उसमें लगाती है कि जो मेरे पति हैं वो शादी के बाद मुझे प्रताड़ित करते थे, मेरा जब बच्चा हो गया तो उसे भी प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते परेशान करते थे, कोई डेट नहीं बताया गया है। उसके बाद एक बार जब पति जो थे पत्नी को और बच्चे को बैठा के बाइक पे ले जा रहे थे तो जानबूझ के बाइक का एक्सीडेंट करा दिए, जिससे पत्नी को भी चोट आई, पति को भी चोट आई और बच्चे को भी चोट आई। तो पत्नी का ये कहना था कि ये जानबूझ के कराया गया है, जिससे पत्नी मर जाए और बच्चा भी मर जाए, तो ये जानबूझ के पति ने एक्सीडेंट कराया था। और इन्हीं सब आधारों पे एक FIR दर्ज हो जाता है IPC सेक्शन 498A और 307 में। जब ये FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, तो जो पति होती हैं वो जाती हैं हाई कोर्ट में
482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लेके मामले को रद्द कराने के लिए, जहां पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जब पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, उसके काफी दिनों के बाद जो पति होते हैं वो डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हैं, यानी डिवोर्स का मुकदमा लगाते हैं। उसके बाद जब पत्नी को नोटिस आता है तो जवाबी कार्यवाही में प्रतिशोध लेने के लिए वो ये मुकदमा दर्ज कराई है, यानी पत्नी जो थी पहले कोई एक्शन नहीं लेती है, छोड़ के पति को अपनी इच्छा से चली जाती है क्योंकि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो किसी और के साथ रहना चाहती थी। उसके बाद जब पति डिवोर्स का मुकदमा लगा देती है तो जवाब के रूप में प्रतिशोध लेने के लिए, पति के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसने ये जवाबी कार्यवाही की है और 498A का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। तो पहला तर्क दिया जाता है कि प्रतिशोधात्मक कार्यवाही है। दूसरी बात ये बताई जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि एक्सीडेंट हो, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो किसको कितना चोट आएगी ये कोई नहीं सोच सकता है। तो ऐसे में पत्नी का जो ये कहनाम है कि पति जानबूझ के एक्सीडेंट कराया है, तो जानबूझ के कराता तो पति को चोट नहीं आता, सिर्फ पत्नी और बच्चे को ही चोट आया होता। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के ऐसे एक्सीडेंट नहीं कराएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो चला रहा है उसे ज्यादा चोट आएगी कि जो पीछे बैठा है उसे ज्यादा चोट आएगी। तो ये मनगढ़ंत बात है, फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए बात कही गई है और इसी के आधार पे 307 आईपीसी लगा है। तो ऐसे में जो भी बातें हैं, जो भी आरोप है, गलत आरोप है, सामान्य आरोप है, फंसाने के लिए आरोप है, बेबुनियाद आरोप है और प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया गया है। जब कोर्ट भी मामले को देखता है तो यही पाता है कि पति ने पहले डिवोर्स का मुकदमा लगाया है, उसके बाद जवाब के रूप में पत्नी ने ये प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। और जो 307 आईपीसी लगा है कि ये कि गाड़ी पे बैठ के जा रही थी पत्नी और पति ने जानबूझ के एक्सीडेंट कराया, ये मनगढ़ंत बातें हैं, बेतुकी बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सोचा ही नहीं जा सकता है। तो मुकदमा देख के ही फंसाने वाला लग रहा है, परेशान करने के लिए लग रहा है। और इन्हीं दो आधारों पे जो हाईकोर्ट होता है पत्नी के द्वारा लगाए गए 498A मुकदमे को रद्द कर देता है। तो यहाँ पे इस जजमेंट के जरिए ये चीज निकल के आ रही है कि अगर आपकी भी पत्नी ने, आपने जब 498A का केस आपके ऊपर जो हुआ है उसके पहले ही आपने सेक्शन 9 या डिवोर्स का मुकदमा लगा दिया है, तो आप कोर्ट में ये फैक्ट दे सकती हैं कि पत्नी ने सेक्शन 9 या डिवोर्स के मुकदमे के बाद अपना ये एक्शन लिया है, प्रतिशोध लेने के लिए एक्शन लिया है। तो इस आधार पे आप भी मुकदमा क्वेश करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको इस जजमेंट की जरूरत पड़ती है तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको इस जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, जिसका यूज आप कर लीजिएगा। आशा कर रहा हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।